21 जनवरी को होने वाले चंद्र ग्रहण का सही समय, सूतक का सही समय कहां पर दिखेगा और कहां पर नहीं दिखेगा। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण जो कि घटित होने जा रहा है 21 जनवरी 2019 पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण होने जा रहा है और यह चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह लगभग 10:11 पर प्रारंभ होगा और 11:12 पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। यह ग्रहण मध्य पूर्व अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, पूर्वी रूस में दिखाई देगा, इसलिए वहां पर इसके सूतक काल का, पर्व काल का प्रभाव रहेगा। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया पड़ती है तब चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही लाइन में आ जाते हैं। ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है और जहां पर यह ग्रहण दिखाई देगा वहां पर 20 जनवरी की रात को लगभग 10 बजे से इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा और जहां पर ग्रहण दिखाई देगा वहां पर ही इसका पुण्यकाल, पर्वकाल, सूतक काल माना जाएगा। क्योंकि भारत में कहीं पर भी यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में कोई सूतक काल नहीं रहेगा, कोई पर्व काल नहीं रहेगा, कोई पुण्यकाल नहीं रहेगा। गर्भवती महिलाओं को जो कि भारत में निवास करती हैं, उनको भी इस ग्रहण से भयभीत होने की, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। धार्मिक मान्यता है कि जब राहु चंद्रमा या सूर्य को ग्रसित करते हैं तब ग्रहण होता है। इस संबंध में कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में असुर राहु ने देवताओं के साथ भेष बदल करके अमृत पान किया था। सूर्य और चंद्रमा ने राहु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को इनकी शिकायत कर दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने राहु का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंद्रमा सूर्य से बदला लेने के लिए राहु इन ग्रहों को ग्रसित करते हैं, इसलिए ग्रहण घटित होता है। जहां पर चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जहां पर सूतक होगा, वहां ग्रहण के समय मंत्र जाप करना चाहिए। ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान पूजा पाठ जैसे भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, केवल मंत्र जाप कर सकते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद पूरे घर की सफाई करना चाहिए। ग्रहण के पहले खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी या कुशा के पत्ते रख देना चाहिए, जिससे ग्रहण का प्रभाव खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर नहीं होता है। तो मित्रों, आपको हम पुनः एक बार बता दें कि यह ग्रहण भारत में कहीं भी, किसी भी शहर में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में भयभीत होने की, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको